नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र राणा की जमानत को लेकर दोस्तों एक जो अपडेट आया है, आज भोपाल पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था, लेकिन आज उनकी जमानत रद्द कर दी गई है और 5 दिन के पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। सीएम शिवराज पर अपशब्द मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद में पुलिस ने उनके घर से उनको गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने जमानत की सुनवाई पर जमानत रद्द कर दी और 5 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अब इस केस में थोड़ा पेचीदा ये होता जा रहा है और उपेंद्र राणा के लिए थोड़ी मुसीबत हो गई है। उपेंद्र राणा भोपाल में जो करणी सेना का आंदोलन हुआ था उसके अंदर आए थे और वो वहाँ पर मंच पर भी उन्होंने भाषण दिया था, साथ ही जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें भी शामिल हुए थे। लेकिन उसके अलावा जब एक इन दोनों जगहों के अलावा बाहर रोड पर कहीं बताया जा रहा है कि वो कई लोगों के साथ में थे, एक रोड शो जैसा वो वहाँ पर कर रहे थे और उसके दौरान उनके एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ उनके द्वारा ऐसा बोला गया सीएम शिवराज को लेकर, जिसके ऊपर उनके केस दर्ज हो गया और उसके बाद भोपाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और कहीं ना कहीं अब उनके लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। 5 दिन का पुलिस रिमांड हो गया है, अब 5 दिन बाद भी क्या जमानत मिलेगी या फिर उन्हें पुलिस के लिए जो न्यायिक हिरासत होती है क्या उसमें भेजा जाएगा, इसके बारे में भी जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जमानत कैंसिल हुई है तो उनके समर्थकों को, उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार 2 दिन से उनके बाहर आने की राह देख रहे थे और उनकी जमानत के लिए लगातार पोस्ट कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उपेंद्र राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब क्या वो जेल से निकल पाएंगे, क्या वो बाहर आ पाएंगे, क्योंकि मामला सीधा मुख्यमंत्री से संबंधित है तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बाकी की इस बारे में कोई और अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।